बजिया बजिया बजिया। चलो नीचे दो एनिमीज अहेड, दो बंदे ओपन में, मैं जोन में हूं, ठीक है मैं जोन में हूं। तो देखो नॉक करना पड़ेगा पहले इसको। एनिमीज अहेड, हील कर ले, हील कर ले, इजी खेल, हील कर ले। ये देख ये पीक है, एनिमीज अहेड, स्मोक कर सकते हो उस पे, उसके मुंह पे, यहां पे कहीं पे। एनिमीज अहेड, खेल इजी खेल, यहां पे बंदा होगा देखना, रब कर रहा है वो, देख टेंपोर ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये आज का वीडियो एक पूरा T1 स्क्रिम्स का गेम प्ले है, ई स्पोर्ट्स नेटवर्क। सो एक्चुअली व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्क्रिम्स, मैं हमेशा मेरा खुद का वॉइस भी रिकॉर्ड करती हूँ। सो बट इस रिकॉर्डिंग के बाद मैंने चेक किया तो आई रियलाइज कि इसमें मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सो आई थॉट चलो इस पर वॉइस ओवर कर देती हूँ मैं। सो गाइस, हम लोग जैसा कि हमारा ड्रॉप लॉस लियोन्स है, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पर हमारे साथ एक से दो स्क्वाड हमेशा आते हैं। गन फाइट हमेशा नहीं होती है बट आजकल हो रही है, बिकॉज कोई एकदम क्लोज आ रहा है, हम लाइक फॉल बैक नहीं करते हैं अनलेस वी हैव टू प्रायोरिटाइज आर रोटेशन। सो इस बार भी यही हुआ, P7 आई थी तो उनका एक बंदा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ट्रॉल ने मुझे कॉल दिया कि इसकी बिल्डिंग में बंदा है। सो आई वेंट देयर, तो जैसे ही मैं क्रॉस कर रही थी उस बंदे के टीममेट ने दूर से मुझे 5 HP कर दिया और मैं जैसे ही अंदर घुसी मेरे को हिटमैन का कॉल आ गया था कि वो बंदा फर्स्ट फ्लोर पे है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि वो कभी भी नीचे आएगा और उसको कॉल आ गया होगा उसके टीममेट से कि बहुत लो है, घुस उस पर। मेरे को थोड़ा कुछ स्टेप का वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया, तो जब वो स्टेयर्स में आ गया था ऑलमोस्ट नीचे, तब आई रियलाइज कि ओके आ गया। तो मैंने अपने टीममेट्स को कॉल दे दिया कि मैं डेड हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने ट्राई भी नहीं किया बिकॉज थोड़ा सा हो गया वहाँ पर, मैं कुछ ज़्यादा ही लो थी, आई पैनिक्ड, होता रहता है। तो मैंने नाम पढ़ा कि 8 BTS, आई एक्सपेक्टेड इट और उसने वही किया, वो आया मुझे फिस्ट करने, उसने एक मुक्का मारा और फिर डर के भाग गया बिकॉज मेरे टीममेट्स आ गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट फिस्ट मी, सैड फॉर हिम, बट नेवर माइंड। ये लोग 3-man ही खेल रहे थे, हमने लॉबी में देख लिया था, तो उसके दो टीममेट्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे थे और हमने कुछ लूट भी नहीं की थी तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था। सो वी डिसाइडेड कि निकल ही लेते हैं यहाँ से गाड़ी लेके, तो हमने गाड़ी ली और हम जोन में गए। वहाँ पर हमें इम्पाला के तरफ कुछ कंपाउंड्स मिले थे जो ऑलरेडी लूटेड थे, बट स्टिल वी फाउंड लाइक सम बैंडेजेस एंड ऑल। तो हम पे, क्योंकि मेरे पे तो आमो भी नहीं, तो हमने वहाँ पर थोड़ी सी ट्रैश लूट की। उसके बाद हम लोग जोन में गए तो वी सॉ कि आगे हिल पे दो स्क्वाड्स की फाइट चल रही है बिकॉज वहाँ पर स्मोक हो रखा था। तो वी डिसाइडेड टू टेक कोऑर्डिनेटेड शॉट्स जो कि मोस्टली अनकोऑर्डिनेटेड ही रहते हैं, बट एनीवे हमने स्मोक में रैंडम शॉट्स लिए। देन मेरे को एक प्लेयर दिखा, उसको मैंने नॉक कर दिया था। तो वी रियलाइज की अच्छा वहाँ पर 8-bit लड़ रही है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम वहाँ पुश करेंगे। और हम जैसे ही पुश कर रहे थे, जो दूसरी स्क्वाड जिनसे वो फाइट ले रहे थे वो वाइप हो चुकी थी, तो हमने पुश कर दिया वहाँ पर, मैंने नेड्स वगैरह किए बट कोई नॉक नहीं हुआ बिकॉज आई वॉज होल्डिंग अ बिट। तो रिज थी, मैंने एक्चुअली रिज के ऊपर नेड कर दिया, मुझे नीचे स्मोक में नेड करना चाहिए था, एक पक्का नॉक होता। सो आई वेंट अहेड तो मैंने रियलाइज़ किया स्मोक में एक बंदा है और एक मेरे सामने रिज पे है, मैंने रिज पे रैंडम शॉट्स लिए, फिर वो पीछे भाग गया और स्मोक वाला बंदा आई थिंक फील कर रहा था कुछ बिकॉज ही वॉज नॉट मूविंग एट ऑल। जब तो आमो मेरे पास बचा नहीं था, फिर मैं उजी निकाल के आई रश्ड, बट स्मोक में मुझे बंदा दिखाई नहीं, और यहाँ पे जैसे मैंने उजी रीलोड की ना, गन के साउंड की वजह से मेरे कोई बंदे का फुटस्टेप ही नहीं आया। आई गॉट नॉक बट हाँ, मेरी टीममेट्स ने वाइप कर दिया था पूरा स्क्वाड, आई थिंक हिटमैन ने ही वाइप किया था, हम लोग सिर्फ लो कर पाए, सारे किल्स हिटमैन को मिले थे यहाँ पे। तो जैसे स्क्वाड वाइप हुआ, रिवाइव करके हम लोग ने लूटा, इन लोग पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लूट थी, सब मिल गया हमें, आमो स्कोप एंड एवरीथिंग। जोन के अंदर देख लिया था कि कहाँ कहाँ बंदे हैं, हमें कहाँ से जा रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि लेफ्ट में पूरा जोन के एज से हम रोटेट करेंगे और जस्ट जोन में एंटर होते ही कुछ रिजेस थी हमारे राइट, तो हमने वहाँ पर गाड़ियाँ लगाई और वहाँ रुक गए।
और वहाँ रुकने के बाद हमने देखा कि हमें राइट में एक हिल है, वहाँ से हम पूरा ओपन है, वहाँ से शॉट्स आ रहे थे और हमारे लेफ्ट रिजेस पे भी बंदे थे। तो हमने राइट में तो गाड़ी लगा कर कवर बना दिया, उसके बाद एक तो स्मोक किए और लेफ्ट से बंदों ने पुश करने का ट्राई किया, उन्होंने एक नॉक लिया था ट्रॉल पे, उसके बाद हमने ट्रेड ले लिया एंड देन उन्होंने फॉल बैक कर लिया था, उन्होंने पुश नहीं किया। जब तक मैंने डिसाइड किया कि इन पे पुश करके हमें जोन में जाना होगा, तब तक वो लोग फॉल बैक कर चुके थे कार लेके। तो फिर हम भी जोन में निकले तो जोन में भागते हुए हिटमैन की बलि चढ़ गई, बिकॉज हम सब रैंडम भाग रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि गाड़ी निकाले या वेट करे या कुछ, तो हम रैंडम भागे लेफ्ट से और हिटमैन को हम नहीं बचा पाए, वो काफ़ी ओपन में नॉक हो गया था, उसको पड़ रही थी। तो फिर हम जोन में गए तो हमें लकीली एक गाड़ी मिल गई थी, तो उसको हमने सेव कर लिया और जोन में देखा कि कहाँ का बंदे है। जब मैं जोन आ गया तो डेक्स्टर डिसाइडेड कि रैंडमली गाड़ी से जाते हैं जोन में, और सामने मुझे बंदा दिख गया था, वो गाड़ी लेके बंदा आ रहा था, तो वो तो सीधा नीचे चला गया और ऊपर से जो बंदा उस पर शॉट्स ले रहा था वो बेचारा जोन से ही नॉक हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा अब तो अंधा जोन में जाना पड़ेगा, तो मैंने जोन में देखा, मुझे एक बंदा दिखा और लकीली मैं उसको नॉक कर पाई, वरना वो मुझे मार देता और मेरा गेम यहीं ख़त्म था। ऑल्सो जैसे ही मैंने उसको नॉक किया, आई थिंक वो डेक्स्टर को ही मार रहा था, तो डेक्स्टर काफ़ी लो था, फिर वो जोन से नॉक हो गया जैसे ही मैं जोन में आई। तो मैंने उसको नॉक किया, उसके बाद हील किया, वो तब तक नीचे क्रॉल कर चुका था, तो फिनिश तो मैं नहीं दे पाई बट डेक्स्टर को मैं नहीं बचा पाई, उसको बंदे ने नीचे से फिनिश कर दिया था। सो आई हील्ड एंड एवरीथिंग, देन मुझे लग ही रहा था कि 1v4 ही है क्योंकि सब बंदे नीचे ही थे। तो मैंने लेफ्ट से जाके देखा, मुझे फुट स्टेप आए कि 2-3 बंदे हैं, तो आई थॉट ऐसे तो मैं नहीं मार सकती। फिर मेरे को एक बंदा दिखा, उसको आई थिंक आइडिया नहीं था कि मैं ऊपर हूँ या क्या, क्योंकि वो राइट में देख रहा था एकदम अलग ही जगह पर, तो उसको मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया ताकि रिवाइव होने का तो कुछ चांस रहे ना। तो उसके बाद आप देख ही लो, आई थिंक मुझे चुप हो जाना चाहिए, मैंने काफ़ी वॉइस ओवर कर दिया है। सो ये आप देखिए, आप ओपी लास्ट बन गए लेफ्ट, इजी 1v1 कर ले, रीलोड इजी। वो रिवाइव करेगा, ओपी भाई, ओपी शर्लॉक भाई, ओपी क्या मारी है पे, जी जी भाई मस्त मारा। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a smile.